अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर रमजान, मैं आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम 10th क्लास बायोलॉजी का डे नंबर 50 का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है मसल्स एंड मूवमेंट। में मसल्स एंड मूवमेंट का जो हमारा टॉपिक है, इसमें बेसिकली आप ये बात कर सकते हो कि हमने मूवमेंट ऑफ मसल्स को डिस्कस करना है, यानी कि मूवमेंट को तो डिस्कस करना है, मूवमेंट किसकी होगी? बेसिकली आपकी मूवमेंट होगी आपकी बोन्स की, लेकिन वो किस तरह से मूवमेंट करवाई जाती है? आपकी बोन्स मूव नहीं करती खुद से। अगर मैं बात करूं बोन्स की कि वो मूव करती हैं, ऐसा नहीं होता। आपकी बोन्स मूव नहीं करती, आपके मसल्स बोन को मूव करवाते हैं, ठीक है। बेसिकली आपका मसल मूव करवाएगा आपकी बोन को, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज आती है, यानी कि हमारे जो मसल्स हैं, हम मसल्स की बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे स्केलेटल मसल्स की, क्योंकि स्केलेटल मसल ही ऐसे मसल्स होते हैं जो आपकी बोन को मूव करवाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली चीज जो आती है बात ओरिजिन की। ओरिजिन किसे कहते हैं? आपने ओरिजिन की फिजिक्स के अंदर डेफिनेशन पढ़ी होगी अक्सर, या फिर आपने छोटी क्लासेस के अंदर ओरिजिन की डेफिनेशन पढ़ी होगी। ओरिजिन कहा जाता है उस मुकाम को जहां से कोई चीज शुरू होती है, ठीक है। अब यहां पे जो हमारे मसल्स की है, तो मसल्स में वो कहता है कि मसल्स का जो एक सिरा होता है ना, वो हमेशा से अटैच होता है किसी इमूवेबल बोन के साथ, ठीक है। अब इमूवेबल बोन कौन सी है? जैसा कि मैं अगर आपको यहां पे एग्जांपल दूं अपने बाइसेप की, अब यहां पे मेरा जो हाथ है ये बेसिकली मूव करवा रहा है, ठीक है। अब यहां पे जो चीज मूव करवा रही है वो कौन सी चीज मूव करवा रही है? वो मेरा ये बाइसेप है जो मेरे इस पूरे हाथ की कलाई को मूव करवा रहा है, ठीक है। अब यहां पे जो मेरा ये बाइसेप है ना, इसके बेसिकली दो एंड्स हैं। किसी भी चीज की अगर मैं बात करूं तो वो दो एंड्स पर मुश्तमिल होती है, जैसा कि ये मार्कल है, यह दो एंड्स पर मुश्तमिल होगी, एक इसका कैप और दूसरा इसकी बैक, ठीक है। अब इसी तरह हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो भी दो एंड्स पर मुश्तमिल होते हैं, उसका जो एक एंड होता है वो जुड़ा हुआ होता है किसी इमूवेबल बोन के साथ, जैसे कि ये मेरा बाइसेप है। अब ये जुड़ा हुआ है इस वाली हड्डी के साथ जो इमूवेबल है, जो इसको मूव नहीं करवा रही। अब ये जो चीज होगी, ये वाला जो इसका सिरा होगा, ये जो इसका एंड होगा, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। उसके बाद अगली चीज आती है इंसर्शन। इंसर्शन क्या चीज होती है? अब इंसर्शन के अंदर आता है कि हमारे पास जो सेकेंड एंड है उस मसल्स का, जो सेकेंड एंड है जो किसी मूवेबल बोन के साथ जुड़ा हो और उसको मूव करवा रहा हो, उसको इंसर्शन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। जैसा कि फॉर एग्जांपल के तौर पे ये मेरा जो मसल है बाइसेप, ये हमारी इस कलाई का जो मसल है, कलाई की जो बोन है, इसको मूव करवाता है, ठीक है। तो ये वाला जो इसका एंड है जो इन बोन्स के साथ जुड़ता है इसको मूव करवाने के लिए, उसको इंसर्शन कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया कि ओरिजिन क्या होता है और इंसर्शन क्या होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है हमारे पास वो है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म क्या चीज होती है? बेसिकली अगर मैं बात करूं तो कि हमारे जो स्केलेटल मसल्स है ना, वो मुश्तमिल होते हैं पेयर्स ऑफ मसल्स में, मतलब अकेला मसल्स किसी जगह नहीं होता, दो मुख्तलिफ पेयर्स होते हैं। किसी भी अगर आप मूवेबल ज्वाइंट की बात करो बोन के, अब मैंने आपको ये बात बताई कि हमारे जो बोन है वो मूव करवाती है किस सूरत में? हमारे मसल्स की हेल्प के जरिए से, ठीक है। तो हमारे जो मसल्स होते हैं वो किसी भी बोन को अकेला मसल मूव नहीं करवा रहा होता, ठीक है, क्योंकि मसल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि मसल्स ने हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होना है, रिलैक्स नहीं होता, कभी भी मसल रिलैक्स नहीं होता। आपने पढ़ा होगा कि मसल्स रिलैक्स भी होता है और कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, लेकिन मसल्स रिलैक्स नहीं होता, उसको रिलैक्स करवाया जाता है, ठीक है। अब उसको रिलैक्स कैसे करवाया जाता है, आपको यह बात भी बताता हूं। तो बेसिकली बात की हमने कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब ये एंटागोनिज्म में क्या होता है? मैंने आपको बताया कि स्केलेटल सिस्टम के अंदर पेयर्स ऑफ मसल्स होते हैं, ठीक है। अब ये पेयर्स ऑफ मसल्स कैसे काम करते हैं? ये काम करते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। कैसे? लेट्स सपोज एक मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो जो अगला मसल है हमारे पास वो रिलैक्स कर रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। अब ये रिलैक्स कर नहीं रहा होगा, उसको रिलैक्स करवाया जाएगा किस तरह से, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने ये बाजू ऊपर किया तो मेरा ये जो बाइसेप है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो मेरे बाजू की कलाई की हड्डी है ये ऊपर आएगी। अब ये ऊपर आएगी तो मेरा ये जो ट्राइसेप है ये रिलैक्स करेगा। बेसिकली ट्राइसेप को रिलैक्स करवाया जा रहा है किसकी हेल्प के थ्रू? मेरे बाइसेप की हेल्प के थ्रू, ठीक है। अब
ये जो सारी की सारी एक पूरा का पूरा प्रोसेस है उसको एंटागोनिज्म कहते हैं। इस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना और दूसरे मसल को रिलैक्स करवाना ये प्रॉपर काम होता है एंटागोनिज्म। ये बेसिकली एक प्रोसेस होती है एंटागोनिज्म, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं फ्लेक्सर मसल की। फ्लेक्सर मसल कौन सा मसल होता है? फ्लेक्सर मसल होता है ऐसा मसल्स जो हमारी बोन को मूव करवाता है, ठीक है, जो बिहाइंड द ज्वाइंट होता है, ठीक है। अब ये मसल्स क्या करेगा, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब ये जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बोन को मूव करवाएगा। अब ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इसको फ्लेक्सर मोशन कहते हैं या फिर फ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसकी एग्जांपल आती है बाइसेप। देखो ना, मेरा बाइसेप है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तब जाके मेरी कलाई जो है वो ऊपर आएगी। तो बेसिकली ये इसकी मूवमेंट करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज है वो है एक्सटेंसर मसल। एक्सटेंसर मसल क्या होता है? अब एक्सटेंसर मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों होगा? ये उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट होगा जब हमने ज्वाइंट को बिल्कुल स्ट्रेट करना हो, उसको स्ट्रेटेंथ पोजिशन में लेके आना हो, ठीक है। बेसिकली आपका जो फ्लेक्सर मसल है ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और आपका जो एक्सटेंसर मसल है ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। जिस तरह मैं आपको बता चुका हूं कि मसल्स का काम ही कॉन्ट्रैक्ट होना है, ठीक है। अब मसल्स का जो काम है वो है कॉन्ट्रैक्ट होना। चाहे फ्लेक्सर मसल है वो आपकी मूवमेंट करवा रहा है लेकिन वो भी कॉन्ट्रैक्ट होकर करवा रहा है। अब इसी तरह आपका एक्सटेंसर मसल है वो भी मूवमेंट करवा रहा है लेकिन वो जो है हमारे पास वो भी बेसिकली स्ट्रेट होने के लिए मूवमेंट करवा रहा है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास अब एक्सटेंशन मसल कौन सा मसल होता है? एक्सटेंशन मसल ऐसा मसल होता है जो किसी भी ज्वाइंट को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में लेके आता है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेट पोजीशन में लेके आता है हम उस मसल को एक्सटेंशन मसल कहा जाता है और उस मूवमेंट को हम एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसकी भी एग्जांपल देखो सिंपल इसी तरीके से। जैसा कि मेरा बाइसेप है वो एक फ्लेक्सर मसल है जो ज्वाइंट को मूव करवा रहा है, ठीक है। अब ज्वाइंट को मूव करवा रहा है ऊपर की तरफ, ये बाइसेप हो गया फ्लेक्सर मसल की एग्जांपल में। अब जो ट्राइसेप है ये कैसे करता है? ये भी मेरी बोन को मूव तो करवा रहा है। अब बेसिकली ये ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मेरा ये जो बाजू है, मेरा ये जो ज्वाइंट है पूरे बाजू का, ये सीधा होगा, ये स्ट्रेट होगा, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होके इस ज्वाइंट को स्ट्रेट करता है और ये एग्जांपल में आता है हमारे पास एक्सटेंसर मसल की।